धर्म में पूर्णिमा का बहुत महत्व है और सभी पूर्णिमाओं में से एक है शरद पूर्णिमा। अश्विन माह में शुक्ल पक्ष में आने वाली पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। धर्म ग्रंथों में शरद पूर्णिमा की रात को अन्य रातों से अधिक पवित्र माना गया है। शरद पूर्णिमा से जुड़ी कई मान्यताएं हैं और इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं शरद पूर्णिमा की क्या मान्यताएं हैं, शरद पूर्णिमा की क्या पूजा विधि है, शरद पूर्णिमा के दिन क्या सावधानी अपनानी चाहिए और अगले 5 सालों तक शरद पूर्णिमा की क्या तिथियां होंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर संदीप कटारिया। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी वाले निशान को भी दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की जानकारी आप तक तुरंत पहुंचती रहे। हिंदू कैलेंडर के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन कोजागर व्रत कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस रात देवी महालक्ष्मी स्वयं ये देखने आती हैं कि कौन कौन लोग जानकर महालक्ष्मी की पूजा करते हैं और माँ इससे प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद देती हैं जिससे उनका जीवन खुशियों से भर जाता है। इस दिन को कोजागर या कोजागरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन ब्राह्मणों को खीर कपड़े आदि दान करते हैं और इससे शुभ फल मिलता है। आइए अब बात करते हैं कि शरद पूर्णिमा में खीर का क्या महत्व है और शरद पूर्णिमा के दिन खीर हमें कैसे लाभ देती है। शरद पूर्णिमा को चांदनी में रखी खीर का एक विशेष महत्व होता है क्योंकि पूर्णिमा की रात को अमृत वर्षा से जोड़कर देखा गया है। ऐसा विश्वास है कि इस दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत निकलता है और ये किरणें सभी के लिए बहुत लाभदायक होती हैं। शरद पूर्णिमा की रात में खीर खाने का इस बात का प्रतीक है कि शीत ऋतु में हमें गर्म पदार्थों का ही सेवन करना चाहिए क्योंकि इस मौसम में हमें ऐसे भोजन से ही अच्छी ऊर्जा मिलती है। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए और रात के समय गाय के दूध की खीर बनाकर भगवान को उसका भोग लगाना चाहिए। गाय के दूध की खीर को ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहां से इस पर चंद्रमा की किरणें पड़े और उस दौरान चंद्रमा की उपासना भी करनी चाहिए। मान्यता है कि चंद्रमा की किरणों से खाने की वस्तुओं में विशेष प्रकार के रसायन, लवण व विटामिन आ जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो चंद्रमा की किरणों से खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी में अच्छी बढ़ोतरी हो जाती है। ऐसा भी माना जाता है कि इस रात के समय चंद्रमा की किरणें अमृतमय गुणों से युक्त रहती हैं जो कई रोगों से छुटकारा दिलवाने में भी लाभदायी होती हैं। शरद पूर्णिमा की एक और मान्यता है, इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ महारास रचा था इसलिए इस दिन को रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं शरद पूर्णिमा को कैसे मनाएं। इस दिन सुबह जल्दी उठकर अपने इष्ट देव का पूजन करना चाहिए। रात के समय गाय के दूध से बनी खीर में घी तथा चीनी मिलाकर भगवान को भोग लगाना चाहिए। इंद्रदेव और महालक्ष्मी जी की पूजा अर्चना, गाय के घी का दीपक जलाकर और साथ ही गंध पुष्प आदि से करनी चाहिए। ब्राह्मणों और गरीबों को खीर का भोजन कराना चाहिए और उन्हें इच्छा अनुसार दान दक्षिणा प्रदान करनी चाहिए। जब चंद्रमा आकाश के मध्य में हो तो उनका पूजन करना चाहिए और खीर से भरा बर्तन चंद्रमा के प्रकाश में रखकर दूसरे दिन उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करें और अन्य लोगों को भी खिलाएं। इस दिन पूर्णिमा का व्रत करके कथा भी सुननी चाहिए। शरद पूर्णिमा के दिन शुभ फल प्राप्त करने के लिए कुछ बातों का जरूर ख्याल रखना चाहिए, जैसे शरद पूर्णिमा पर्व को पूरी श्रद्धा से मनाना चाहिए, इसको अंधविश्वास के आधार पर नहीं मनाना चाहिए। कभी किसी का अनादर ना करें, मन को शांत बनाए रखें, ब्राह्मणों गरीबों
और जरूरतमंदों की जितनी हो सके मदद करें। दान देते समय निस्वार्थ भाव रखें, स्त्रियों को सम्मान दें, उनसे लड़ाई झगड़ा ना करें। सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप शुभ फल पाना चाहते हैं तो अपने कर्मों को अच्छा बनाए रखना ही बहुत जरूरी होगा। अगले 5 सालों की शरद पूर्णिमा की तिथियां। दोस्तों, अगर आप इस विषय के बारे में और अधिक विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर इसके बारे में आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं, जिसका स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पर अब दिखाई दे रहा है और इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया है, तो इसे जरूर लाइक करें और इस वीडियो को अन्य लोगों के साथ भी जरूर शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी खास विषय पर वीडियो बनाएं, तो कमेंट बॉक्स में आप हमें लिख सकते हैं, क्योंकि हम सभी कमेंट्स को ध्यान से पढ़ते हैं। आप हमारी वेबसाइट्स पर विजिट कर सकते हैं और हमारे साथ फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर हम काफ़ी सारी जानकारी शेयर करते रहते हैं और आपका पूरा दिन ऊर्जा से भरपूर रहता है। आपने ये वीडियो देखने के लिए अपना उपयोगी समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।